नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता, जो 70 वर्ष के थे, एक बेखौफ अपराधी ने घर में घुसकर उनको हत्या कर दिया। जब इसकी सूचना सुबह स्थानीय प्रशासन को मिला तो पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम दरभंगा भेज दिया गया। हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं और ख़ासकर दरभंगा पोस्टमार्टम भवन है और यहां से हम आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। मुकेश सैनी के पिता के शव को यहां पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तमाम प्रशासन मौजूद हैं और ख़ासकर वीआईपी पार्टी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो उनका समर्थक है भी मौजूद है। और ख़ासकर दरभंगा लोकसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी हैं ललित यादव, वो भी मौजूद हैं। और ख़ासकर यहाँ पे सामने देख रहे हैं मिश्री लाल यादव सहित तमाम जो उनका समर्थक है, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पे अपराधियों को गिरफ्तारी करने की मांग कर रही है। हम आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं और देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल मिशन सच को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ख़ासकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी हैं, उनसे भी हम आपको इंटरव्यू सुनाते हैं कि आखिर में इस घटना के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो देखते रहें मिशन सच की पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या घटना हुई है और अभी तक तत्काल आप लोगों ने क्या क्या किया है? सुबह सूचना मिला कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का जो पिताजी हैं उनका हत्या कर दिया गया और तत्काल थानाध्यक्ष बिरोल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरोल घटनास्थल निरीक्षण किए, हमको सूचना दिए, फिर हम भी घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिए और एसपी रूरल घटनास्थल निरीक्षण कर लिए और अभी एक एसआईटी गठन कर दिया गया। एसपी रूरल काम्या मिश्रा जी उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है और एफएसएल का भी टीम आ गई है। अभी घटनास्थल में सबूत इकट्ठा कर रही है और हमारा जो टेक्निकल सेल होता है, जो मोबाइल एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो भी टीम आ चुकी है, वो भी काम स्टार्ट कर लिया है और अगर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है तो अभी वो भी रास्ते में आ रहा है और जो हमारा सारा जो टीम है, जो एफएसएल टीम, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड का टीम और जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं और इसको त्वरित गति से काम करते हैं, हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। प्रथम दृष्टया हत्या क्यों की गई है, क्या कारण है और किस तरह से हत्या की गई है? हत्या चाकू के द्वारा वार करके किया गया है और अभी हम लोग अज्ञात के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि अभी अननोन है और हम लोग अगल बगल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, टीम लगी हुई है और जो प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि बाकी एक बक्सा बाहर में दिखा है कि जो घर के बाहर एक बक्सा जो अंदर का था उसके बाहर फेंका गया है जो पानी में, उसको भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ भी कुछ सबूत अगर देख रहे हैं कि बाहर में कुछ ऐसा सबूत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सारे एंगल पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा एक एंगल नहीं छूटेगा, सब एंगल पे काम करेंगे ताकि कुछ क्लू मिले कि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी उद्धार करें। अभी तक कोई सर किसी प्रकार का मतलब गिरफ्तारी वगैरह? अभी हम लोग का आंदोलन अनुसंधान जारी है और जैसे आपको अनुसंधान में जो तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे आपको। पिछले कुछ विवाद का भी सर आप अनुसंधान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई पहले कोई विवाद हुआ? हम लोग अनुसंधान करेंगे, दुश्मनी का, विवाद का और कोई अन्य बिंदु जो भी आते हैं अनुसंधान में हम जांच करेंगे। हत्या की समझ हुई सर क्या? समय देखना पड़ेगा कि हो सकता है लगभग रात का इकट्ठा हो, सुबह सूचना की जो डेड बॉडी मिला है, जो उनका परिजन देखा है, जो स्थानीय लोग उन्होंने सूचना थाना को दिया, उसके बाद पुलिस को सूचना मिला। किस छवि क्या था सर उनका? सर जानकारी मिली कि जो दो लड़के थे उनके साथ रहा करते थे वो जो अनुसंधान में जो आएंगे तत्व, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होते हैं कि अब अनुसंधान में तत्व आते हैं तो उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है प्रथम दृष्टया चोरी, चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, चोरी की नीयत से किया है या दूसरे कोई कारण है? अब हम लोग तो हर एंगल पर, जैसा मैं बताया कि क्या चोरी की घटना से एंगल किया हो या दुश्मनी के कारण हो, कोई अन्य कारण भी हो सकता है, तो हम लोग हर एंगल से हम काम कर रहे हैं।